बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अवर चैनल गार्डन साथ बहू का। आपकी दोस्त आयशा यल्दानी और मेरी प्यारी प्यारी क्यूट सी बहू अरीबा उमर, हम दोनों की तरफ से बहुत सारी मोहब्बत भरा सलाम कबूल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे गार्डन में है हमारी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल वाइन हमारी आलमंडा कैथेटिका। ये हमारा इसमें जो कलर्स होते हैं रेड कलर में मिलती है हमको, पिंक, लाइट पिंक, वाइट मजेंडा, येलो, ऑरेंज और ब्लू कलर, डार्क पर्पल शेड में जो होता है ना, तो इन सब खूबसूरत कलर में हमारी प्यारी प्यारी आलमंडा हमारे बहुत प्यारे शाइनी लीव्स के साथ होती है। देखें इसके लीव्स भी बड़े शाइनी होते हैं और बड़ा खूबसूरत सा ब्राइट सा ग्रीन कलर होता है, बड़ा अच्छा लगता है इसका। तो ये दो तरह पाई जाती है, एक छोटा पौधा भी इसका होता है और दूसरी इसकी ये वाइन की शक्ल में होती है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कलर जो इसका होता है अक्सर येलो कलर होता है, जो हमारे अक्सर घरों में पाया जाता है। तो बहुत इजी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस प्लांट है हमारा ये, और बहुत ब्यूटीफुल है, आपके गार्डन को चार चांद लगा देता है ये। ये हमारा पेरिनियल प्लांट है, यानी कि ये हमारे पूरे सारे साल हमारे गार्डन में होता है और तकरीबन 8 से लेकर 9 महीने तक इस पर फ्लावरिंग होती रहती है। सिर्फ विंटर सीज़न में इस पर फ्लावरिंग नहीं होती है क्योंकि ये समर ग्रोइंग प्लांट है ये, और सर्दियों में डॉर्मेंसी के अंदर होता है ये। ख़ास तौर से बरसात के मौसम में इस पर खूब फ्लावरिंग होती है मानसून के अंदर। और ये मेरी मानसून में मेरी बेल माशाल्लाह तो खूब भरी हुई थी इसे फ्लावर से, तो सर्दियों में इस पर इतनी फ्लावरिंग नहीं होती है। अक्टूबर में नवंबर में थी तकरीबन ख़त्म हो जाती है फ्लावरिंग ना। तो अगर आप इस पर चाहते हैं कि फ्लावरिंग ज़्यादा हो तो इसकी प्रोनिंग ज़रूर करें। प्रोनिंग के लिए आप माह फरवरी का इंतखाब करें क्योंकि इस वक्त मौसम में बाहर का आगाज़ होता है और प्लांट्स पर नई नई कोंबलें फूट रही होती हैं। तो आप जितनी प्रोनिंग करेंगे उतनी ही इसकी ब्लूमिंग भी होगी और उतनी ही इसकी फ्लावरिंग भी होगी। तो अप्रैल में इंशाल्लाह फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और आप इसको अक्टूबर नवंबर तक इन्जॉय करेंगे। हर 15 दिन बाद आप इसको फर्टिलाइज़र दें, जो केले के छिलके, आलू के छिलके, और रात में भिगो कर रख दें उसको, और उसके अंदर थोड़ा सा इसमें गोबर खाद भी मिला लें और सूखी हुई चाय की पत्ती भी मिला दें इसके अंदर। तो ये आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र, को रात भर ओवरनाइट सो करके रख दें और आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है। तो इसको आप हर 15 दिन बाद देंगे। और सन लविंग प्लांट है ये, इसको 4 से 5 घंटे की धूप ज़रूर दें। मेरा तो खैर ये प्लांट इसमें धूप में ही लगा हुआ है सारा दिन, इसके ऊपर जो धूप होती है उसके ऊपर लाजमी आती है। तो पानी को पसंद करता है, ख्याल रखेंगे इसकी मिट्टी मॉइस्चर है। जब देखेंगे इसकी मिट्टी सूख रही है तो आप इसको पानी दे दें, लेकिन ख्याल रखें कि सॉइल जो है ना इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी इसके अंदर रुकना नहीं चाहिए। जो आप पानी दें इसको भर के दें खूब गमले को और फिर वो पानी ड्रेन हो जाए इसका। इसका पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए 50% आप इसको गार्डन सॉइल ले लें, 20% रिवर सॉइल ले लें, 20% काउडंग ले लें और इसमें 10% बोन मील मिला लें और इसमें वुड एश मिला लें और पत्ते नीम की पत्तियाँ इतनी होती है ना सूखी हुई, वो भी इसमें मिला लें। तो इससे आपका प्लांट जो है पेस्ट अटैक से बचा गया और नेचुरल प्रोटेक्शन भी इसको मिलेगी। और इस पर वैसे पेस्ट का ना इतना अटैक नहीं होता, तो लेकिन अगर आप महसूस करेंगे इसके ऊपर पेस्ट का अटैक हो रहा है तो इस पर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें या फिर पत्तों को शावर करके इसके ऊपर वुड एश का छिड़काव कर दें। और इसको हम बीज के ज़रिए भी ग्रो करते हैं, लेकिन मैंने अपनी वाइन को बीज के ज़रिए ग्रो नहीं किया, मैं तो फिर नर्सरी से लेके आई थी इसको, और कटिंग के ज़रिए भी इसको ग्रो किया जाता है। और ज़्यादा आसान इसको कटिंग के ज़रिए ग्रो करना, और कटिंग भी वो जो लेयर कटिंग नहीं होती है लेयरिंग के ज़रिए जो हम कटिंग लगाते हैं, तो वो बहुत ईजी टू ग्रो मेथड होता है। तो उसको न्यू गार्डन भी आसानी लगा सकते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप इसकी एक ब्रांच जो मैच्योर हो तकरीबन और मदर प्लांट से अटैच हो, तो उसको आप दरमियान से किसी प्लांटर के अंदर दबा दें और उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डाल दें उसके ऊपर, और मिट्टी डाल के उसके ऊपर फिर उसको बस पानी वानी दे के, जैसे नॉर्मल सारे पौधों को आप पानी देते हैं आप इसको पानी देना शुरू कर दें। तो आप देखेंगे कुछ मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद इसके अंदर इसकी फ्लावरिंग ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाएंगी, इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब देखें उसके अच्छी खासी ब्रांचेज निकल जाएँ तो फिर आप उसको मदर प्लांट से काट दें। इसका मेथड मैं आपको बताऊँगी। वैसे मैंने इस मेथड से ना पुदीना और अपना बोगनवेलिया और अपना ये मनी प्लांट काफ़ी लगाए हैं इसको, तो आपको मैं ये पूरा मेथड बताऊंगी। बहुत इजी मेथड होता ही है, मुझे तो लेयरिंग के ज़रिए लगाना बहुत अच्छा लगता है और बहुत आराम से आप उसको लगा के अपना भूल जाए उसको, वो आहिस्ता से खुद ही जर्मिनेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। फिर आप उसकी जब प्रोपेगेशन शुरू हो जाए तो आप उसको अपना काट दें।
आपका नया प्लांट। तो इस तरह से प्लांट को ना मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है। तो इंशाल्लाह ताला अब आपने ये मेथड सीख लिया होगा और हम इसको आप किसी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे भी। तो आप इसके ज़रिए अपनी आलमंडा वाइन अपने गार्डन में लगाएं, अपनी गार्डन की ब्यूटी में इजाफ़ा करें। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।